हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। केस स्टडी की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले 27 ईयर ओल्ड के एक पेशेंट के बारे में जिनका ब्लड बोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा था। 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं उनके रिजल्ट को एंड आज हम उनकी रिजल्ट के बारे में पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे उनका सर्जरी हुई, कैसे उनका चडिंग बेच आया, नाउ 4 मंथ हो चुके हैं इनके रिजल्ट को और लगभग 50% रिजल्ट उनका आ चुका है। मेक श्योर जो आप वीडियो देखने से पहले ये बात अपने दिमाग में डालना है, क्योंकि जो वीडियो में रिजल्ट शो हो रहा है वो पूरा रिजल्ट नहीं है। अभी सिर्फ 4 मंथ हुए हैं, आधा रिजल्ट आना अभी बाकी है। और पुरानी जितनी भी केस स्टडी की सीरीज में वीडियोस में लाया हूँ उनका भी एक फाइनल रिजल्ट की वीडियो में जरूर लाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी वीडियोस मिलाऊं डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाए। इन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था 27 नवंबर 2018 को। इनकी मेन प्रॉब्लम थी फ्रंटल हेयर लाइन एंड साइड्स एज वेल। इनका फ्रंटल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो चुका था और इनका हेयर फॉल अब प्रोग्रेशन में नहीं था। लगभग इनका हेयर फॉल रुक चुका था, तो जितना हेयर लॉस हो गया था उसको ही कवर करना था। इनका बजट मैक्सिमम 60,000 था, तो इनको ऐसा क्लिनिक चाहिए था जो उस बजट में हो और बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल हो पाए। डोनर एरिया इनका उतना अच्छा नहीं था कि एक सेटिंग में 4,000 ग्राफ निकाले जा सकें। इनकी मेन प्रॉब्लम थी हेयर लाइन एंड टेम्पोरल पॉइंट्स। फाइनली इनकी सर्जरी हुई एक ऐसे क्लिनिक से जो इनके बजट में फिट हो और रिजल्ट्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इनको 3,800 ग्राफ लगे, जिसमें इनका फ्रंटल एरिया एंड टेम्पोरल पॉइंट्स कवर किए गए। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कम ग्राफ की प्लेसमेंट ऐसे किए जाए ताकि फाइनल रिजल्ट जो हो वो पूरा हेड कवर हो जाए। इनकी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर से बनाई गई ताकि फर्स्ट प्रायोरिटी थी इनका बॉल्ड एरिया कवर करना एंड देन हेयर लाइन उसी हिसाब से डिज़ाइन करना। अब स्वेलिंग की जहाँ तक बात करें तो स्वेलिंग हर पेशेंट को आती है। लगभग 90% पेशेंट को स्वेलिंग फील होती है एंड ये 2-3 दिन में चली जाती है। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। अब फर्स्ट हेड वॉश की बात करें तो ये फोटोज़ जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हेड वॉश की है। मेक श्योर जब भी आप अपने ब्लड क्लॉट्स को वो 15 डेज के अंदर निकाल लें सर्जरी के बाद, बिकॉज उसके बाद ग्राफ डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेड वॉश के लिए आप कोई भी बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेडिंग फेस की, 1 मंथ आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। शेडिंग फेस में काफ़ी लोग डर जाते हैं, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि उनको बालों के साथ उनकी रूट्स भी निकलती हुई दिखाई देने लगी, तो वो पूछते हैं कि ये नॉर्मल है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो 48 आवर्स में ही स्कैल्प में सेटल हो जाते हैं आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर हेड वॉश के टाइम उनको बालों की रूट्स भी झड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वो रूट्स नहीं, वो टिश्यूज़ होते हैं जो डोनर एरिया के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर 55 डेज देखा जाए तो इनकी लगभग 80% शेडिंग हो चुकी थी। शेडिंग फेज खत्म होने को हो गया था और जितने बार इनके आफ्टर लगाए गए थे आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, वो झड़ लगभग 80% झड़ चुके थे। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे काफ़ी इनका एरिया पूरा बॉल्ड, पूरे गंजे दिखाई दे रहे हैं। ये हर किसी को फील होता है ये। अब आफ्टर 2 मंथ की बात करें हम, तो 2 मंथ में देखिए इनके जो बाल झड़े हुए थे वो थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे। ट्रांसप्लांटेड हेयर जो थे कॉर्नर्स भी इनके बनने स्टार्ट हो गए थे एंड हेयर लाइन में थोड़े पतले बाल आने स्टार्ट हो चुके थे। जो बाल नहीं झड़े थे शेडिंग फेस में वो काफ़ी बढ़ चुके थे, आप देख पा रहे होंगे आगे पतले। तो ये फेस हर किसी को फील होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं 3rd मंथ की ओर। 3rd मंथ में देखिए इनके बाल बड़े होने लगे थे, आगे जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स थे वो भी बढ़ने चालू हो चुके थे एंड कुछ बाल इनके थे वो पीछे के बालों की बराबर शेप में आ चुके थे और अब शेडिंग मतलब डेंसिटी आना स्टार्ट हो गया था लगभग इनका, आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। ये एक्चुअली हर किसी को फील होता है, इसमें पेशेंट काफ़ी घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि यही हमारा फाइनल आउटकम रिजल्ट है। देखिए, रिजल्ट आना पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। इनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज ऑफ द डोनर एरिया, तो इनका डेंसिटी ऑब्वियसली रिजल्ट आना डेफिनेटली होना ही था, लेकिन थोड़ा लेट रिजल्ट आना पॉसिबल था। डोनर एरिया की बात करें आफ्टर द 3 मंथ, अब आप डोनर एरिया देख सकते हैं काफ़ी फुली हील हो चुका है। कोई कह नहीं सकता इसमें से 3,800 ग्राफ निकाले गए हों, बिकॉज डोनर एरिया की आप बात करें तो पूरा ही भर चुका है डोनर एरिया। देखिए, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन डोनर एरिया से बाल इस प्रोपोर्शन में निकाले जाते हैं कि आफ्टर द सर्जरी 3-4 महीने बाद डोनर एरिया फुली कवर्ड हो जाए और किसी को पता भी ना लगे कि ट्रांसप्लांट हुआ है।
अब बात करते हैं 4 मंथ की, इनका लेटेस्ट जो रिजल्ट है, आप जो वीडियो में रिजल्ट देख रहे हैं इनका 4 मंथ का लेटेस्ट रिजल्ट है। ये नॉर्मल मोरेफ सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, फिनेस्टाइड और मिनोक्सिडिल का सॉल्यूशन जो होता है। ये रिजल्ट सिर्फ 50% है, अभी इनकी डेंसिटी पूरा आना बाकी है। आप इस वीडियो में अगर आपको लग रहा होगा रिजल्ट काफ़ी कम है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ आधा ही रिजल्ट है। अभी ये बाल जो हैं ये सिर्फ आने स्टार्ट हुए हैं, तो इनको घना होना अभी बाकी है, डेंसिटी आना बाकी है। मोस्टली इनका रिजल्ट जो आएगा वो 8 मंथ में आएगा। मैं इनके रिजल्ट की वीडियो भी एक डालूंगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा, पुरानी जितनी भी केस स्टडी वीडियोस है उनका भी फाइनल रिजल्ट अपलोड करूंगा, तो आप 4 मंथ का रिजल्ट देख लीजिए। सो गाइस, ये थी केस स्टडी की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, इस केस स्टडी की सीरीज में एक फायदा ये होता है कि हमें एक स्टिमुलेशन मिल जाता है कि पेशेंट सर्जरी के बाद किन किन फेजेस से गुजरता है, जो मैं आपको केस स्टडी की वीडियोस में दिखाया करता हूँ। इससे क्या होता है कि बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर कल को मैं ट्रांसप्लांट करवाता हूँ कि ये शेडिंग फेज, ये सर्जरी फेज, इन चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने वीडियोस लाऊं डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाए।